हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशंक है और फिल्मी गुफ्तगू में आपका स्वागत है। फिल्मी गुफ्तगू पे आपको मिलेंगे फिल्मों से जुड़ी बातें, फिल्म रिव्यूज, एनालिसिस, फिल्मी किस्से और भी बहुत कुछ। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर, जहां ये दोनों हिंदी फिल्म जगत के बेहतरीन एक्टर्स रहे हैं, वहीं पर्दे पर इनकी जोड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे शानदार जोड़ियों में से एक रही है। चलिए जाने राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने कौन कौन सी फिल्मों में साथ काम किया है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर सबसे पहली बार एक साथ आराधना फिल्म में नजर आए, जो 1969 में आई थी। शक्ति सामंता द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और इसके गाने जैसे मेरे सपनों की रानी, कोरा कागज था ये मन मेरा और रूप तेरा मस्ताना जबरदस्त हिट रहे। इस फिल्म की कहानी यूं तो ज्यादा शर्मिला टैगोर पर केंद्रित थी, पर राजेश खन्ना ने भी इसमें अपनी एक अलग छाप छोड़ी। गौर करने वाली बात है कि आराधना के पहले ही शर्मिला टैगोर एक लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में स्थापित हो चुकी थी, पर राजेश खन्ना उस समय तक फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश में ही लगे थे। 1969 और 1971 के बीच राजेश खन्ना की 15 फिल्में लगातार सुपरहिट हुई, जिसके चलते उन्हें बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का दर्जा मिला। इन 15 हिट फिल्मों का सिलसिला आराधना से ही शुरू हुआ। आराधना को 1969 का फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला और साथ ही शर्मिला टैगोर को इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की अगली फिल्म थी सफर, जो 1970 में आई। सफर भी एक हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे असित सेन और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर मिला। सफर में राजेश खन्ना कैंसर पेशेंट की भूमिका निभाते हैं। इस फिल्म के भी गाने काफी हिट रहे थे, जैसे जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर और जीवन से भरी तेरी आंखें। अब हम बात करते हैं 1971 की फिल्म छोटी बहू के बारे में, जो 1954 की तेलुगु फिल्म मुड्डू बिड्डा की रीमेक थी। ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा थी जिसके डायरेक्टर थे केबी तिलक। वैसे तो ये फिल्म भी राजेश खन्ना की लगातार हिट फिल्मों की लिस्ट में आती है, पर इस फिल्म का मुख्य भार शर्मिला टैगोर के कंधे पर था। 1971 की फिल्म बदनाम फरिश्ते एक कोर्टरूम ड्रामा थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस था, हालांकि इस फिल्म में अधिकतर फर्स्ट टाइम एक्टर्स थे। बदनाम फरिश्ते बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के चलते राजेश खन्ना के 15 लगातार हिट्स का सिलसिला भी टूट गया। कहा जाता है कि इस फिल्म के फ्लॉप होने की ये वजह थी कि उस समय राजेश खन्ना की ही बाकी और फिल्में थिएटर में काफी अच्छी चल रही थी और इसलिए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को थिएटर में ज्यादा नहीं दिखाया, जिसके चलते फिल्म प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो गया। 1972 की फिल्म मालिक एक स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म थी, जो 1969 की एक तमिल फिल्म थुनाइवन की रीमेक थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे ए भीम सिंह। बदनाम फरिश्ते की तरह मालिक भी एक फ्लॉप साबित हुई और इसका कारण भी यही था कि राजेश खन्ना की बाकी फिल्में थिएटर में अच्छी चल रही थी और इसके चलते इस फिल्म को थिएटर में कोई खास जगह नहीं मिली। अब हम चलते हैं अगली फिल्म की तरफ। 1972 की फिल्म अमर प्रेम राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक रही है। अमर प्रेम 1970 की बंगाली फिल्म निशी पद्मा की रीमेक थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति सामंता। अमर प्रेम की कहानी काफी सीरियस थी और इस फिल्म के गाने बेहद हिट रहे हैं, जैसे चिंगारी कोई भड़के और कुछ तो लोग कहेंगे। साथ ही फिल्म का एक डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स काफी हिट रहा है। अमर प्रेम कमर्शियली एक सुपरहिट फिल्म थी और फिल्म क्रिटिक्स ने भी इसकी काफी प्रशंसा की। 1973 की फिल्म दाग एक सुपरहिट थी, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। ये यशराज फिल्म्स की पहली प्रोडक्शन थी। दाग 1886 की थॉमस हार्डी की अंग्रेजी नॉवल द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज पर आधारित थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के साथ राखी भी मुख्य भूमिका में थी। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर मिला। 1973 की ही एक और फिल्म थी राजा रानी, जो भी बॉक्स ऑफिस हिट थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सचिन भौमिक, जो कई बड़ी फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर भी रह चुके हैं। राजा रानी के गाने भी काफी हिट रहे थे, जैसे जब अंधेरा होता है और मैं एक चोर तू मेरी रानी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के केमिस्ट्री की काफी तारीफ की गई। 1974 की फिल्म आविष्कार वैवाहिक मनमुटाव के थीम पर आधारित है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे बासु भट्टाचार्य। ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस हिट थी और साथ ही फिल्म क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म की बेहद तारीफ की। आविष्कार के लिए राजेश खन्ना को फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। आविष्कार एक काफी लो बजट फिल्म थी
और कहा जाता है कि राजेश खन्ना इस फिल्म में काम करने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने अपनी 70% फीस इस फिल्म के लिए कम कर दी और आविष्कार की अधिकतर शूटिंग फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य के घर पे ही हुई। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म है त्याग, जो 1977 में आई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे दीनदयाल शर्मा। शर्मिला टैगोर इस फिल्म की को प्रोड्यूसर भी थी। त्याग अपने रिलीज के समय कमर्शियली कुछ खास नहीं चली थी, पर फिल्म क्रिटिक्स ने इसे काफी सराहा था। वक्त के साथ लोगों के बीच इस फिल्म की लोकप्रियता और बढ़ी है। तो ये था राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के सारे मूवीज का लिस्ट। इन दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे बेहतरीन फिल्में की हैं। हालांकि इस लिस्ट में कुछ फिल्में काफी सीरियस हैं, पर इन दोनों की एक्टिंग इनमें शानदार रही है। जब भी हिंदी सिनेमा में बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ियों की बात की जाएगी तो उसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का नाम जरूर लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और फिल्मी गुफ्तगू से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें ऐसे और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी आपसे मिलते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।